एसपी के निर्देशन में जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को खेकड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले के दौरान प्रयुक्त हथियार भी हुए बरामद। आरोपियों ने बताया कि सुरेंद्र जाटव ने पहले भी कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमे तथा फर्जी मुकदमे कराने की दे रहा था धमकी। घायल सुरेंद्र अभी भी है अस्पताल में भर्ती। पुत्र ने कराया था मुकदमा दर्ज। पुलिस अधीक्षक बागपत शैलेश कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का किया खुलासा। चारों आरोपियों को जेल भेजा गया। उन्होंने बताया कि घायल सुरेंद्र जाटव के बयानों के साक्ष्य के आधार पर तथा तथ्यों के आधार पर इस घटना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी तथा बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम हरेंद्र, सुरेंद्र, कपिल और गौरव है। इनके पास से उस हमले में प्रयुक्त असलहे भी बरामद हुए हैं। दो पिस्टल, दो तमंचे हैं और कारतूस हैं। एक अभियुक्त जो कि सीसीटीवी फुटेज में और चिन्हित हुआ है उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। साथ ही साथ इस मुकदमे में और भी लोगों को नामजद किया गया है। उनकी नामजदगी के बारे में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों से पूछताछ, वादी के जो बयान हैं और साक्ष्यों, इन सब के आधार पे चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हुए जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कप्तान साहब, हमला क्यों किया था इन्होंने? अभी जो वर्तमान में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें कई सारे मुकदमे बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के पक्ष ने पंजीकृत कराए हैं। अब वो चीज़ें विवेचना में देखी जा रही हैं कि किस तरह के मुकदमे हैं, उस मुकदमे से कैसे ये मोटिवेट हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी जैसा मैंने बताया कि विवेचना में सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। एक्चुअल जो फैक्ट सामने आएंगे अकॉर्डिंगली सारी कार्रवाई। अच्छा, पीड़ित पक्ष ये है कि जो पीड़ित है वो भीम आर्मी का ब्लॉक अध्यक्ष है और दलित होने के नाते उन्हें अंबेडकर जयंती के दिन रोका गया था शोभायात्रा निकालने से, इसी बात को लेकर विवाद पनपा, ये खाता सच है? कितने सच अभी, अभी इसके बारे में कोई पुष्टिकारक वैसे साक्ष्य नहीं है। जैसा मैंने बताया इसके बैकग्राउंड के बारे में विवेचना में पता किया जा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली का। लेकिन क्या पुलिस इस बिंदु पे भी जांच कर रही है? पुलिस समस्त बिंदुओं पे जांच कर रही है। जैसा मैंने बताया पुलिस समस्त बिंदुओं पे जांच कर रही है और घटना के पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, घटना के पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है, उन समस्त बिंदुओं पे जांच। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।